हे गाइस, मैं सुमित का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अभी NCHM काउंसलिंग 2020 का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। इससे पहले मैंने अभी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में वीडियो बनाया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। वो वीडियो देखना आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें NCHM काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल दिया गया है, पूरा शेड्यूल को अच्छी तरह से बताया गया है पूरी डिटेल से। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCHM काउंसलिंग 2020 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसे करना है। सो विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक आज के इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपका मिस होता है तो आपके फॉर्म में गड़बड़ी हो सकती है। सो NCHM काउंसलिंग 2020 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने NCHM काउंसलिंग 2020 के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आप NCHM काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हो। तो उस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आ जाता है। ये NCHM काउंसलिंग 2020 का ऑफिशियल वेबसाइट है सामने। तो यहाँ नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा NCHM 2020 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो इस रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने में एक नया पोर्टल ओपन होकर के आ गया है। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने NCHM काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही हमारे सामने में इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स कौन सेंट है इसको अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना होगा। तो सिंपली हम लोगों ने इसको अच्छे से पहले पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे इसको एग्री करो। एग्री करते ही आपके सामने में एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही सिक्योरिटी पिन। ये वाला यहाँ आप ध्यान से देख लो, सिक्योरिटी पिन नीचे में एक कैप्चा टाइप दिया होता है, इसको ही सिक्योरिटी पिन बोलते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आता रहता है कि सिक्योरिटी पिन क्या है, सिक्योरिटी पिन क्या है, तो एक्चुअली यही इसी कैप्चा को सिक्योरिटी पिन बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को फिल कर लेने के बाद यहाँ सिंपली हम लोगों ने सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने में एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे हमारा रोल नंबर, फादर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट नेम, ये सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ नीचे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद चूज़ योर पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड डालना है। नीचे फिर से सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने में एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट लिख रहा है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकम्प्लीट है, फाइनल सबमिट इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, सभी को ग्रीन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ नीचे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमारे सामने में एक और नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समझदार लोग जो हैं वो मेरे पहले वाले एक वीडियो पे, यहाँ पे मैं दिखाया था कौन से वाले वीडियो पे, जब मैंने बताया था कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो अपना EWS अगर सर्टिफिकेट उनका आ गया है तो वो अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, तो उनको यहाँ से वहाँ पर पता नहीं चला था, उनको लग रहा था कि वो मैंने फेक न्यूज़ दिया है। तो भाई साहब, पहले अच्छे से समझ लो चीज़ों को। मैं यहाँ पर पिछले 3 सालों से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, तो मेरे को इतना पता है कि आगे क्या होने वाला है। और होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर दी जा रही है तो वो प्रूफ के साथ होता है। तो फाइनली यहाँ पे आप अपना जेंडर और अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी में पहले से जनरल दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे जनरल से EWS में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे EWS जनरल EWS सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है तो इसको नो ही रहने देंगे। जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूँ, कश्मीरी माइग्रेंट उनके लिए होता है जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और साथ ही नीचे पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी यहाँ पे नो ही रहने देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स जो विकलांग स्टूडेंट है उनके लिए ये ऑप्शन होता है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। तो यहाँ पर हमने नो करना है। तो इन सभी चीज़ को अच्छे से कर लेने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने में एक और नया इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हमें यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना होगा। तो यहाँ पे 10+2 या उसके इक्विवेलेंट में कोई भी अगर आपके पास मार्क डिटेल्स हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले पासिंग स्टेटस में आपको पासिंग है तो पास आपको डालना होगा, अगर अपियर है तो आपको इसमें अपियरिंग फिल करना होगा। अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको यहाँ पर अपियरिंग फिल करना होगा। देन यहाँ पासिंग ईयर, रिजल्ट मोड, फिर मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, इतना आपको फिल करना है। और परसेंटेज मार्क्स ये ऑटोमेटिकली ही ले लेगा
इन सभी चीज़ों को फिल कर लेने के बाद हमें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने में फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे हमें अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, नीचे परमानेंट एड्रेस है। जो स्टूडेंट अपने परमानेंट एड्रेस पे मीन्स एक ही जगह रह रहे हैं बहुत टाइम से और उनको अभी वो जगह चेंज नहीं करना है, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस इन दोनों में सेम ही एड्रेस आप फिल कर सकते हो। एड्रेस फिल कर लेने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने में एक और नया इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे जो सब कुछ हमने फिल किया है, जितने भी स्टेप्स हमने लिए हैं, उन सभी का एक प्रीव्यू दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे ये फाइनल सबमिट लेगा। तो इस प्रीव्यू को अच्छे से देख लेने के बाद आपको यहाँ इस डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक करके आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आप चॉइस फिलिंग अपना करोगे। तो रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद अब चॉइस फिल कैसे करते हैं वो अब हम लोग यहाँ से समझेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टोटल अवेलेबल चॉइसेस 74 हैं और यहाँ पे फिल्ड चॉइसेस 0, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक भी चॉइस फिल नहीं किया है। अनफिल्ड चॉइसेस 74, ये अनफिल्ड इसलिए है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ भी फिल नहीं किया है। और अनलॉक में भी यहाँ पे 0 है क्योंकि अभी लॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यहाँ अवेलेबल चॉइसेस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट का, कौन कौन से कॉलेज का चॉइस अवेलेबल किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ ऑल इंस्टीट्यूट टाइप आप करके देख सकते हो, काफ़ी सारे फिल्टर दिए गए हैं यहाँ पे। आप यहाँ से सेंट्रल IHM, स्टेट IHM या PSU IHM या प्राइवेट कौन कौन से हैं वो देख सकते हो। इंस्टीट्यूट्स देख लेने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है चॉइस फिल करने के लिए इस तरह से। अब यहाँ पे जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज है वो आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम यहाँ पे कितना कॉलेज चूज कर सकते हैं, कितने कॉलेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि आप एक कॉलेज करो, दो कॉलेज करो, पांच कॉलेज करो। आप चाहो तो पूरा 74 कर सकते हो, लेकिन आपको 74 करके कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। तो जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज आ रहा है वही करो। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही यहाँ आई बटन में भी मैं दे देता हूँ, रैंक वर्सेज कॉलेज। बहुत ही तगड़ा वीडियो है, वो आप देख लो, आपको पता चल जाने वाला है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कॉलेज आएगा। यहाँ जिस स्टूडेंट के लिए मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, इस स्टूडेंट को IHM मुंबई चाहिए, तो पहले नंबर पे हमने मुंबई को रखना है। हम लोगों का जो कॉलेज डिज़ायर है, जैसे पहले अगर हम चाह रहे हैं पूसा तो पहले हमने पूसा रखना है, उसके बाद चाह रहे हैं अगर पूसा ना मिले तो IHM मुंबई डाल देना है, IHM मुंबई भी ना मिल पाए तो IHM बेंगलोर डाल देना है। मीन्स जो सब आपको लगे स्टेप बाय स्टेप, मीन्स नीचे करते हुए जाना है, जिसको आपको लेना ही लेना है उसको सबसे नंबर वन पे रखो। यहाँ पे मैंने बस 5 कॉलेज को सेलेक्ट करा है क्योंकि इस रैंक के अकॉर्डिंग इस स्टूडेंट को ये सब कॉलेज मिलने वाला था। जब आपका ये कॉलेज ऐड करना हो जाए, जब आपको जो भी कॉलेज चाहिए वो सारा आप इसमें ऐड कर लो, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू या सेव एंड गो टू होम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करते हो तो फिर आपके सामने में इस तरह से ये कुछ आ जाता है। यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस 74 है, फील्ड चॉइसेस 5 है क्योंकि हमने सिर्फ 5 ही फिल किया है, अनफील्ड में 69 है, वो 74 में से 5 माइनस कर दो तो 69 आ गया है, और अनलॉक्ड यहाँ पे दिख रहा है चॉइस लॉकिंग स्टेटस क्योंकि अभी तक लॉकिंग प्रोसेस आया नहीं है। जैसे ही लॉकिंग प्रोसेस होता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो कर दूंगा और आप सभी के पास पब्लिश हो जाएगी वो वीडियो। फ्रेंड्स, ये जितना भी प्रोसेस अभी मैंने किया है ये सब कुछ आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको आपके फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाकर के डेस्कटॉप मोड को ऑन करना है, उसके बाद आप ये सारा कुछ आराम से फिल कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपने टाइम पे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही सारा प्रोसेस किया था। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मैक्सिमम शेयर करें उन सभी स्टूडेंट के पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM काउंसलिंग 2020 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।